अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देरा से लेके वर्दू भाई को लिफ्ट में, इधर देरा में है ना, लिफ्ट में चढ़ेंगे तो आप इधर इन्फिनिटी ब्रिज है, ये नया जो दुबई में बना है ना इन्फिनिटी ब्रिज, ये इन्फिनिटी ब्रिज में ज़रा वॉक करेंगे। अभी रास्ता देख रहा हूँ मैं, ये देरा से लेको वर्दू भाई जाने का ये रास्ता में इन्फिनिटी ब्रिज के ऊपर से वर्दू भाई को जा सकते हैं। इसके पहले हम आबरा जाके आबरा से बोट पकड़ के उधर जाते थे। अभी ये जो नया मुझे पता नहीं था कि ये ब्रिज में रास्ता है करके, आज मैं फाइंड कर दिया। बार बार जाएंगे, चलो उधर से उधर जाने का मेरे रूम से इधर बहुत करीब पड़ता है। अभी ये इन्फिनिटी ब्रिज का मैं सिर्फ देखने के लिए आया, मैं ऊपर इधर ये वन देरा करके बोलते हैं ना दुबई में, नया जो बना है ये लोकेशन, अभी लास्ट ईयर से ओपन करके रखा है ये वन देरा करके लोकेशन पे। बहुत अच्छा व्यू है दुबई का भाई। ये ब्रिज जो है सिटी के बाहर है, ये बाईपास रोड बोलते हैं ना इंडिया में, सब बाईपास रोड करते हैं वैसा, एनएच रोड बाईपास रोड कुछ वैसा वगैरह बोलते हैं ना वैसा वो ब्रिज है। ये सिटी के बाहर में आउटर में आपको सिग्नल वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, बस ऐसे ही सीधा जा सकते हैं। टाइमिंग बचाने के लिए ये ब्रिज बहुत यूज़फुल होता है। ये पानी जो उसके बाद क्रॉस करेंगे तो आपको वर्दू भाई आ जाएगा। इधर से लिफ्ट है, अभी जो मैं आपको पहला स्टार्टिंग में शुरुआत में वीडियो में दिखाया था ऐसा लिफ्ट उधर भी है, वो लिफ्ट में से उतर के आप उधर चल को जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, म्यूज़ियम मिलेगा, दुबई म्यूज़ियम मिलेगा, और उसके बाद वर्दू भाई गुबैबा अल-फहीदी वो सब मिल जाएगा रास्ते में चलते चलते, और आबरा भी आ जाता है उसमें, गोलचुक भी आ जाता है। इंशाल्लाह मैं कभी वीडियो डालूंगा कि इधर जाके उधर और दुबई को जाने का रास्ता कैसा मिलता है, कैसा चलता है करके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे वीडियो डालते वक्त आपको पता चलेगा, नोटिफिकेशन आएगा, आप वीडियो में देख सकते हैं। बहुत अच्छा प्लेसेस एक्सप्लोर कर रहा हूँ दुबई के बारे में। अभी ये दुबई का ये ब्रिज का ख़त्म हुए बाद आपको ये वंदेरा में अल मदीना सुपर मार्केट है, और बहुत सारे जगहें हैं, वो जगहें सब मैं दिखा दूँ इसमें वीडियो में, देखो इसने करने का ठीक है। स्टे ऑन वीडियो, कैंसिल करके मत जाओ। और ये फ्लाइट्स भी जा रहे हैं बहुत करीब है, देखो वीडियो में बहुत अच्छा मजबूत बना है, स्ट्रॉन्ग भी है, और बहुत लोग चलते भी जा रहे हैं, और बहुत गाड़ियाँ भी जा रहे हैं, लाइक हवा उजाला शेर मार रहा है, बहुत ठंड है भाई, बहुत यहाँ से चलो। अभी ये इन्फिनिटी ब्रिज का हो गया, नीचे चलते हैं हम। लिफ्ट में नीचे उतरने वाले हैं। अभी ये फर्स्ट फ्लोर है ब्रिज का, और ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे। उतर गए अभी, चलो 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 चलते हैं, चलो चलते हैं। इन्फिनिटी ब्रिज के नीचे वाला रोड है ये बाईपास का, अल मदीना सुपर मार्केट। बहुत ब्रांचेस है दुबई के अंदर, वर्दा सुपर मार्केट, नजमत सुपर मार्केट है, ये अल मदीना करके बहुत बहुत नाम से, अल मदीना के नाम से बहुत ब्रांचेस है इधर एक एरिया में। ये जो भी एरिया जाता है वो तो कुछ भी नया एरिया है वो एरिया में ही रहता है, बजट फ्रेंडली बोलते हैं। चलो देखते हैं इधर कैसा है, 24 आवर्स देखते हैं प्राइस कैसा है करके, क्योंकि ये महंगा वाला एरिया है ना, थोड़ा हाईटेक एरिया है,
इसमें प्राइजेस भी थोड़ा महंगा ही होगा। देखते हैं, एम्बुलेंस भी बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। ओहो, रेट्स देखे तो थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है भाई, दूसरे सुपर मार्केटों से भी इधर थोड़ा ज़्यादा ही दिख रहा है प्राइजेस। ये हाईटेक एरिया पर है ना, यहाँ एरिया है। बहुत महंगा है भाई, चलो बाहर चलते हैं। बस ऐसे ही देख चुका हूँ, खलास हो गया। ले जाएंगे इधर बाहर, ये वन देरा, देरा में देरा में नया ओपन किया हुआ है। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े ब्रांचेस भी हैं, ज्वेलर्स के शॉप्स भी हैं। मैकडोनल्ड्स पर कोई भी नहीं है भाई, क्या हो गया हालत देखा तो भाई, कोई भी नहीं है। एम्प्टी शॉप, बहुत सारे लोग को पता नहीं है कि इधर मैकडोनल्ड्स है करके, डोमिनोज है करके, डोमिनोज है करके कुछ सब लोग को पता है तो भीड़ आएगी शायद, पर ना ये तो अन टाइम है, बस ऐसी रात का दस लगभग दस दस साढ़े दस का टाइम है, ये कोई नहीं है इधर। 10:30-11 होगा टाइम, मे भी शाम में होगा डोमिनोज पे। ये पूरा जोल शॉप्स है और शॉप्स बहुत सारे शॉप्स ओपन होने वाले हैं इधर, कमिंग सून सिटी पियरल रेस्टोरेंट। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ओपन करने वाले हैं यार इधर। मैंने देखा कि इधर एम्बियंस, मैंने देखा कि इधर बहुत शॉप्स में ओपनिंग सून रेस्टोरेंट्स और परफ्यूम शॉप्स, बहुत सारे शॉप्स ओपन करने वाले हैं, क्योंकि बिल्कुल पूरा तो ओपन नहीं हुआ, बस ओपन करने वाले हैं इधर। प्लेइंग एरिया किड्स के लिए, इधर रेजिडेंट्स लोग इधर किड्स एरिया में आके प्ले कर सकते हैं ना, बच्चों को बुला के आके। और इधर बहुत रेस्टोरेंट्स, फेमस रेस्टोरेंट्स, पूरन मॉल है और लंच बॉक्स वगैरह, हैदराबादी रेस्टोरेंट्स है, वी चाय कॉफ़ी, वी चाय समथिंग, वो चाय का शॉप एक है वो भी है इधर। दुबई गोल्ड सुप एक्सटेंशन, ये एरिया का नाम दुबई गोल्ड सुप एक्सटेंशन। बहुत आदमी लोग इंडिया में देखेंगे तो आपको 10-11 बजे इतना भीड़ तो नहीं रहेगा, इधर देखो दुबई में कितना भीड़ है, 11-12 बजे, 10:30-11 का टाइम जैसा दिख रहा है क्या? देखो एरिया कितने लोग इधर फिर रहे हैं, बच्चों भी खेल ले कहीं। रेस्टोरेंट रिजॉन मंदिर रेस्टोरेंट है, ओबे द रूल्स। पेडल स्टेयर पे जाने का अगर, ये देखो केपी चाय बहुत फेमस है इधर दुबई में, बहुत भीड़ है इधर केपी चाय पे। अलीफ गोल्ड, बस ऐसे ही बाहर से दिखा रहा हूँ, अंदर नहीं गया यार मैंने।
कैमरा बराबर नहीं है, कैमरा नहीं था। सही सही बाहर से दिखा रहा हूँ। अच्छा तो क्या बात? मलबार गोल्ड, ये मेरा मलबार गोल्ड फेवरेट गोल्ड ज्वेलरी शॉप है यार। मेरे को मैं मुझे जो पसंद आता है ना, इस शॉप का डिज़ाइंस बहुत पसंद आता है। जहाँ पास और दूसरा शॉप्स का डिज़ाइंस कुछ खास नहीं रहता है, इधर मलबार का मेरे को सेट हो गया है। डिज़ाइंस देखने में खरीदने में नहीं है, देखने में महंगा चल रहा है भाई। प्राइजेस तो गोल्ड का प्राइस महंगा चल रहा है, इसलिए मैं खरीद ही ज़्यादा नहीं जाता हूँ। कहीं जब भी जाता हूँ तो थोड़ा थोड़ा लेता हूँ। अभी चलो इस एरिया को छोड़ते हैं, हमारे एरिया पे जा रहा हूँ, रूम पे जा रहा हूँ। वक्त हो गया, टायर्ड हो गया हूँ, आज सुबह से काम करके बस ऐसे ही वीडियो भी ले लिया। अभी खाली हो गया है रोड, टाइम भी हो गया था ना। स्टाइल से चल कर जाता है, देखा हमने इरफान कितना स्टाइल से चलता जाता है। वॉट कलर इरफान, ताजी। ये भी ज्वेलरी शॉप है, बंद कर दिया। इधर सामने देखेंगे तो इधर जो मेट्रो स्टेशन ही है, गोल्डसुख का मेट्रो स्टेशन बोलते हैं उसको। गोल्डसुख के मेट्रो स्टेशन से उधर को ऐसे ही चल को गए, ऐसे ही चल को जाएंगे तो आपको बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे, कुछ ज्वेलर शॉप्स, रेस्टोरेंट्स। अभी जो वो एरिया आपने एक्सप्लोर किया था ना, वही एरिया है। शूज इधर सस्ता प्राइस में मिलता है, ये शॉप में ज़्यादा महंगा नहीं है, रीज़नेबल प्राइस है, उसके लायक का क्वालिटी भी है। चलो वीडियो एंड होने वाला है, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। दूसरा दुबई का दूसरा एरिया और दूसरा कुछ वीडियो में आपको बना के एक्सप्लोर करूँगा। आप मेरे वीडियो को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर कुछ बताना चाहते हो तो मेरे वीडियो पे कमेंट करो, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी एंड आई विल एक्सप्लोर यू एवरीथिंग इन व्हाट्स हैपनिंग इन Dubai. Okay, thank you, thanks for your support. And last one, this is the chart items ka hai ye. Theek hai, Allah Hafiz, sabah khair.